आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सी द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ऑन नहीं, इट मस्ट बी नॉट एसिडिक सॉल्ट। कुछ सॉल्ट्स दिए हैं, हम चेक करते हैं इनमें से क्या है, एसिडिक सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट नहीं है। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, सम कंफ्यूजन इज देयर, नो प्रॉब्लम। एक एक करके सारे सॉल्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट सॉल्ट इज NaH2PO3। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में ये एच एटम डिस्प्लेसेबल है, यानी एच प्लस बन के निकल सकता है। तो यहां एच प्लस अवेलेबल है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। चलिए सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, Na2HPO3। इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है NaOP H डबल बॉन्ड। यहां सिर्फ ये एक एच एटम है और ये एच एटम डिस्प्लेसेबल नहीं है, ये फॉस्फोरस से जुड़ा है इसलिए ये अवेलेबल नहीं है, ये सॉल्ट एसिडिक नहीं है। तीसरा और आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है NaOP NaOPOHOP डबल बॉन्ड O। यहां पर फिर से ये एच एटम डिस्प्लेसेबल है, यानी एच प्लस बनकर अवेलेबल होगा। सो दिस सॉल्ट इज ऑल्सो एसिडिक। सो हम इमेजिन कर सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि विच सॉल्ट इज नॉट एसिडिक, एंड इन दैट केस सिर्फ ये एक सॉल्ट है जो एसिडिक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।